हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ वो स्पेशल स्किन वाइटनिंग के लिए है। अक्सर सभी को ये क्रेज होता है कि उसकी स्किन, उनका चेहरा जो है वो वाइट दिखे, क्लियर दिखे और ग्लोइंग दिखे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बहुत से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बट हमारे स्किन पे, हमारे चेहरे पे वो ग्लो नहीं आता जो हम चाहते हैं। तो आज मैं जो रेमेडी दे रही हूँ वो स्पेशल वाइटनिंग के लिए है। सबसे बड़ी बात, इंग्रेडिएंट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ एलोवेरा से हम इतना वाइट और इतना ग्लोइंग बनाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे। और बहुत ही कम समय में, सिर्फ 15 मिनट के अंदर आप अपने चेहरे पर फर्क महसूस करेंगे। तो चलिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी हर रेमेडी का फायदा उठा सकें। आप मेरी बनाई हुई हर चीज नोट कर लें अपने पास ताकि आपने कभी भी यूज करना हो तो आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेमेडी। ये एलोवेरा है, अक्सर ये घर में लोगों ने लगा रखी होती है, बहुत ही इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास ना भी लगी हो तो कहीं से भी ये मिल सकती है। और 1% अगर आपको कहीं भी नहीं मिलती तो आप रेडीमेड एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके किनारों को इस तरह से काट देंगे। मैंने ये छोटा सा पीस लिया है, जितनी मुझे चाहिए, जितनी मैंने बनानी है। इसको हमने इस तरह से ऊपर से छील लेना है। और ये है इसके अंदर का जेल, इसे हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड भी कर सकते हैं और चम्मच से मैश भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसके पीसेस कर दिए हैं। और इसके अंदर मैं ये डालूंगी थोड़ा सा रोज वाटर। ये ओरिजिनल एलोवेरा है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अंदर मैं 2 छोटे चम्मच रोज वाटर डाल रही हूँ। अगर आप इसे मैश करना चाहते हैं तो आप मिक्सर के अंदर डाल के इसको मैश कर सकते हैं, बट मैं इसको इसी तरह से यूज करके आपको दिखाऊंगी। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है रोज वाटर के अंदर, और अब मैं इसको इस तरह से उठा के अपने हाथ पे आपको यूज करके दिखाऊंगी। इस तरह से इसकी मैंने मसाज 4 से 5 मिनट के लिए करनी है। इस तरह से धीरे धीरे मैंने इसकी मसाज करनी है, बहुत ही सॉफ्ट हाथों से। मैं दूसरा पीस उठा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है कि आपने कोई भी चीज अगर अपने चेहरे पर लगानी है तो उसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेना है। ये आपने ध्यान में रखना है, चेहरे को वॉश करने के बाद ही हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे अगर आप चेहरे को वॉश किए बिना यूज करते हैं। तो हमने इस तरह से इसको अप्लाई करना है और 4 से 5 मिनट के लिए हम मसाज इसको करेंगे। इसके बाद हमने इसको इस तरह से छोड़ देना है। कम से कम हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। ये धीरे धीरे सूखता रहेगा। मैं इसको वॉश कर रही हूँ, लेकिन आपने 15 से 20 मिनट इसको अपने चेहरे पर रखना है। और आप अपने चेहरे के अलावा इसको बॉडी के किसी भी पार्ट पे लगा सकते हैं। आप बाजू पे भी यूज कर सकते हैं, हाथ पे भी कर सकते हैं, लेग्स पे भी कर सकते हैं। आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी इसका नुकसान नहीं है। मैंने अपने हैंड को वॉश कर दिया है। आप देख रहे हैं कि मैंने साथ के साथ वॉश कर दिया है, उसके बावजूद भी कितना अच्छा ये लग रहा है। बहुत ही सॉफ्ट लग रही है स्किन। और अगर आप इसे 15 से 20 मिनट रखेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी, बहुत ही सॉफ्ट दिखेगी और बहुत ही ग्लोइंग। बहुत ही अच्छी ये रेमेडी है, सिर्फ 15 मिनट के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा कि इसे बनाना कितना आसान है और ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने अपने हाथ पे ये भी ट्राई करके आपको दिखाया है। आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से पे इसे यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे चेहरा जो है वो हमारा ओपन होता है तो उसके ऊपर डस्ट, धूल मिट्टी, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि हमारा चेहरा डल लगने लग जाता है। तो आप इसे यूज़ ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहें कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।